रिश्ते की बात हुई थी, उनके माता पिता ने रिश्ते की बात कही थी। 4 साल से रिश्ते माने, जब उनके माता पिता भी सहमत था। अब उनकी ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ज्वाइनिंग हो गई है, जॉब लग गई है, तो उन्होंने दूसरी जगह रिश्ता तय कर लिया। जैसे ही मुझे पता चली इस रिश्ते के बारे में, तो मैं 25 अगस्त को उनके घर गई। उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की, मार के छोटे भाई चाकू निकाल कर मुझे जान से मारने की धमकी दी। उन सब लोगों ने लात घूंसों से मारा, उनकी माँ ने थप्पड़ मारे, छोटी सिस्टर उनकी बाल खींचते हुए मुझे कमरे में ले गई। 3-4 घंटे उन्होंने मुझे कमरे में बंद करके रखा, वॉशरूम तक नहीं जाने दिया, पानी तक नहीं दिया। उन लोगों ने कहने लगे कि अगर तूने इस रिश्ते के बारे में किसी को बताया तो तुझे जान से मार कर ख़त्म कर देंगे, कोई लेना देना नहीं है। आज आपने क्या किया वहाँ उनके ऑफिस जाकर? कॉल करके कल कॉल किया था कि मैं मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो मैं शमशाबाद ब्लॉक गई। 2-4 बातें हुई, खींचते हुए बाहर की तरफ लेके आए और जान से मारने की धमकी देने लगे, गाली गलौज करने लगे, तहरीर वापस ले लेने, अबकी बात तो जान से मार के ख़त्म कर देंगे। 100 नंबर पे कॉल किया, मौके पर पुलिस आ गई, वहाँ से भाग गया। जब से जॉब लग गई है इसी वजह से दान दे दी थी पीछे उन्होंने ये सारा। हाँ, उनकी मम्मी ने कहा था कि तुम्हारे पास क्या है, कि तुम क्या दे दोगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। 2013 में एग्ज़ाम देने गई थी दिसंबर के महीने में MBA की, ठीक है। जब से जान पहचान हो गई, उनकी मम्मी ने शादी की बात कही। अब क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ, उसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। 5वीं साल चल गई जब से उसने रिश्ता रखा, धोखे में आके मेरा उन्होंने शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया। मैं यही चाहती हूँ या तो शादी करे या फिर अब दंड के लिए। आरोप है कि आप लोगों ने उनसे पैसे लिए हैं और जी उसके नहीं बाद ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा नहीं है। आज तक ऐसे पैसे ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने मेरे घर तक नहीं बताने दिया। उनके माँ बाप ने ये कहा कि तुम्हारा बताना ठीक नहीं है, हम खुद जाके बात कर लेंगे टाइम आने पर। क्या आप उनकी कुछ रिश्तेदारी में लगती हैं? मेरा कोई उनसे रिश्ता नहीं है, ना खून का रिश्ता है, ना कोई खास रिश्ता है, दूर की जान पहचान है। शादी करो और 5 लाख रुपए को। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो इसके खिलाफ कोई FIR वगैरह इसके परिवार? उसने FIR कराई थी तो उसने उसमें मार पिटाई की दर्ज कराई थी एटोंदरा थाने में, तो वहाँ से उन्हें हो गई इंक्वायरी करने गई तो वहाँ पे उन्हें FIR लगा के भेज दी। ये लड़की क्या लगती है आपकी? मौसी लगती है। सगी मौसी है? हाँ, मम्मी के मामा की लड़की।